हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? ठीक है, मस्त है। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। तो फ्रेंड्स, AIDC रिक्रूटमेंट 2023 रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का आपका रिक्रूटमेंट आया था। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कि आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एडवर्टाइजमेंट में, वो सारा डिस्कस किया था हम लोग ने। तो ये वीडियो है आप लोग का हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर AIDC रिक्रूटमेंट 2023 जो आपका आया है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो आप लोग कैसे करोगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करोगे तो करेक्ट मेथड में ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करोगे, कैसा प्रोसेस है, कौन सा वेबसाइट में जाना है, कहाँ पे जाना है, कौन सा लिंक क्लिक करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जब इसी तरह इन्फॉर्मेशन बाय लेटेस्ट नोट्स रिलेटेड वीडियो कुछ आएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर इंस्टेंट अपडेट तो ये आपका बारकोड स्कैनर है, आप लोग इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन लिंक क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप लोग का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करोगे जिस टाइम तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम होगा, करेक्ट मेथड में ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप नहीं होने से आप लोग का एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांसेस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपको इस इंटरफेस पे आना पड़ेगा। इस इंटरफेस से आने के लिए आप लोग सर्च कीजिएगा AIDC-recruitment.in, नहीं तो ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग इस इंटरफेस पे आ सकते हैं, नहीं तो आपको जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग लिंक क्लिक करके आप लोग का जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने का जो इंटरफेस है इस इंटरफेस पे आप लोग आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ आसाम इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आसाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो हम लोग लॉगिन कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग फ्रेश कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है ऐसा खुल जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ आसाम इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का जो वेबसाइट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने का ऐसा आएगा। यहाँ पे आपको दिया गया एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे दिया है फिल मार्क विद स्टार आर मैंडेटरी, जो जो रेड स्टार मार्क है वो सब फिल करना मैंडेटरी है। इसके बाद दिया है कैंडिडेट हैज टू फिल द बिलो मेंशन डिटेल टू रिसीव यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो ये सब डिटेल्स फिल करने से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, वो आपको तभी मिलेगा जब आप लोग सारा डिटेल्स फिल करके रजिस्ट्रेशन करोगे। इसके बाद नेक्स्ट दिया है कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड जो मिलेगा उससे आपको लॉग इन करना पड़ेगा AIDC रिक्रूटमेंट फिलअप करने के लिए, जो हम लोग ने थोड़ा देर पहले देखा लॉग इन ऑप्शन का, तो वहाँ पे जाके लॉग इन करना पड़ेगा आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद। नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एज दिस डिटेल्स कैन नॉट बी चेंज वंस द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। तो आप लोग जब रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फिलअप करोगे तो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस करेक्ट प्रोवाइड करना है। एक बार अगर आप लोग प्रोवाइड कर दोगे इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आप लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग एक बार अच्छे से फिलअप करने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा कि करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे आपको दिया गया है फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ जो आपका है मंथ डेट ईयर में आपको हिसाब से फिल करना है। इसके बाद कैटेगरी आपको कौन सा कास्ट से बिलोंग करते हो वो कास्ट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है आपको सिलेक्ट करना है। ये जो आपका रिक्रूटमेंट आया है इस रिक्रूटमेंट आपका ग्रेजुएट पास होने से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, इसके बाद आपका जेंडर, तो आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल अदर जो है आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है डू यू कम अंडर PWD सेक्शन, तो आप लोग PWD सेक्शन से हो क्या, अगर हो तो यस कीजिएगा। यस करने से पर्सन ऑफ डिजेबिलिटी PWD UUID नंबर देना पड़ेगा, PWD कैटेगरी देना पड़ेगा, तो आप लोग नहीं हो तो नो क्लिक कीजिएगा, तो आप लोग ये सब ऑप्शन फिलअप नहीं करना है। इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, तो आप लोग एक्स सर्विसमैन हो क्या, अगर यस करने से आप लोग को एक्स सर्विसमैन का जो डिटेल्स आपको फॉर्म फिलअप करने का टाइम में देना पड़ेगा, अगर नहीं हो तो नो क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का आर यू ए रेसिडेंट ऑफ असम स्टेट, यस और नो, तो आप लोग अगर नो क्लिक करोगे तो आप लोग को फॉर्म फिलअप करने को नहीं मिलेगा, तो अगर आप लोग रेसिडेंट असम हो तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट जो है आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे आप लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन किए हो वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसका डू यू कम अंडर EWS कैटेगरी, तो आप लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो क्या, अगर करते हो तो यस कीजिएगा, अगर नहीं करते हो तो नो क्लिक कीजिएगा। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो सारा डिटेल्स है आप लोग एडिट नहीं कर सकते, तो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि सारा डिटेल्स आपका ठीक है कि नहीं। इसके बाद सबमिट ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपका खुल जाएगा, आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है। तो आपको इसके बाद यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड इज बीइंग सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है तो रजिस्ट्रेशन करने का टाइम में आप लोग जो ईमेल प्रोवाइड किए उस ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको भेज दिया गया। तो आप लोगों ने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया था उस ईमेल आईडी पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल गया। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर लॉगिन।
करें। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पे मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। जो आपको ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिला है वो एंटर करके सबमिट ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग आएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस जो है आपका ऐसा खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यूजर प्रोफाइल ऐसा देखने को मिलेगा, नेम आपका रहेगा, सारा डिटेल्स रहेगा आपको। इसके बाद अप्लाई फॉर पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद अप्लाई फॉर पोजीशन नो एप्लीकेशन सबमिटेड ईयर, तो आपको अप्लाई फॉर जो पोजीशन यहाँ पे जो राइट साइड कॉर्नर में है यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपको पोजीशन मिलेगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, तो कौन सा पोस्ट आप लोग को अप्लाई करना है, आप लोग कौन सा पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वहाँ पे दिया गया था कि आप लोग सिर्फ एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, अगर दोनों पोस्ट आप लोग अप्लाई करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको एक ही पोस्ट अप्लाई करना है। अगर आप लोग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ इसी को अप्लाई करना है, अगर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ इसी को अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स आपको जो पोस्ट अप्लाई करना है तो आप लोग उस पोस्ट पे अप्लाई जो ऑप्शन पे है यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो सारा डिटेल्स नेक्स्ट इंटरफेस से आएगा यहाँ पे आपको आएगा एप्लीकेंट मस्ट सबमिट ग्रेजुएशन डिटेल्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई और एप्लीकेशन सबमिशन। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोग ग्रेजुएशन पास होने से पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, तो आप लोगों को ऐसा आएगा यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद न्यू एप्लीकेशन इनिशिएट विद द एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो आप लोगों को ओके क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेगा फॉर्म फॉर पोजीशन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो जो पोस्ट आप लोग अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट का यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल में फादर्स नेम एंटर करना है, मदर्स नेम एंटर करना है, इसके बाद मैरिज लिस्ट सिंगल है ना मैरिड है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ पे सेव ऑप्शन है ये सेव ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जब सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अनसेव जो है ये सेव ऑप्शन बोल के यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका एड्रेस डिटेल फिल करना है, प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, विलेज पोस्ट ऑफिस पीएस आपको यहाँ पे फिल करना है, पिन कोड फिल करना है, स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, स्टेट हमारा आसाम ही होगा तो हम लोग आसाम फिलअप करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस डिटेल्स, तो आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे टिक करना है, अगर अलग है तो आपको अलग से फिल कर लेना है। इसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद एजुकेशन वॉल्यूशन, तो आपको क्लास 10 का जो कौन से स्कूल से पास किया वो देना है, सब्जेक्ट स्ट्रीम कोर्स किया था वो देना है, ईयर ऑफ पासिंग देना है, बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी देना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स सीजीपी आप लोगों ने कितना ऑप्टेन किया था वो एंटर करना है। सेम इसी तरह आपको क्लास 12 का फिलअप करना है, ग्रेजुएशन का फिलअप करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको फिलअप कर लेना है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लोग देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो। इसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज एंड कोर्स डिटेल, तो आपका कंप्यूटर नॉलेज क्या है, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग कंप्यूटर पास किए, कोर्स नेम क्या था, पीजीडीसीए था ना डीसीए था, वो फिलअप करना है। फ्रॉम डेट, तो कौन से डेट से आप लोग ने पढ़ाई शुरू किया था, कितना डेट तक पढ़ाई किया है वो आपको दे देना है। तो एक साल का कोर्स था तो कौन सा डेट से कौन सा डेट तक पढ़ाई की वो एंटर कर लेना है। इसके बाद एक्सपीरियंस इन मंथ, तो आपको कितना एक्सपीरियंस है ये डिटेल्स फिल करने के बाद एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद एड ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद सेव जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल, तो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल आपका 1.5 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहाँ पे एंटर योर ग्रेजुएशन डेट, तो आपको ग्रेजुएशन डेट कब था यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे आप लोग काम करते थे, डिसीजन क्या था, फ्रॉम डेट, तो कौन से डेट से कौन सा डेट तक काम किया, तो एक्सपीरियंस मंथ्स कितना है ये फिलअप करके एड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद सेव ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पे फोटोग्राफ का साइज दिया गया है इस साइज पे आपको होना होगा, फाइल साइज लिमिट जो है 500 KB है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर का साइज दिया गया इस साइज पे आपको सिग्नेचर बना लेना है, इसके बाद फाइल साइज 700 KB है। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ एंड एज सर्टिफिकेट, आपको आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, आधार पैन कार्ड बा HLC एडमिट कार्ड वो एक होने से आप लोग दे सकते हो। जो फॉर्मेट है PDF फॉर्मेट में होना पड़ेगा, इसका साइज 500 KB है। इसके बाद क्लास 10 का मार्कशीट देना पड़ेगा, फॉर्मेट PDF है, इसका इसका जो साइज है 500 KB। इसके बाद नेक्स्ट है क्लास 12 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट देना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये सारा डॉक्यूमेंट का साइज आपको 500 KB है। इसका फॉर्मेट जो है आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसका नेक्स्ट यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने से आपका यहाँ पे जो अनसेव है ये सेव ऑप्शन करके दिखाई देगा, और सारा जो आपको यहाँ पे प्रीव्यू लिंक जो है नॉट अटैच है अटैच बोल के आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप लोगों का सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। इसका रिव्यू एंड सबमिट जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। रिव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फी देने का जरूरत नहीं है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म है डाउनलोड करके रख लेना है। तो फ्रेंड्स यही था आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने का सारा डिटेल्स प्रोसेस वीडियो मैंने आपको दिखा दिया। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जब इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोग के लिए आएगा तब आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय अहोम।